मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और मीनिंग, प्रबंध विचार या अर्थ। मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं? सरल शब्दों में, आसान शब्दों में मैनेजमेंट का मतलब होता है अच्छे से करना, किसी काम को अच्छे तरीके से करना ही प्रबंध कहलाता है। अब डिफरेंट ओपिनियंस हैं डिफरेंट थिंकर्स की, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है प्रबंध को, मैनेजमेंट को। लेकिन मैनेजमेंट कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको केवल विद्वान ही जानते हो। हाँ, विद्वानों ने परिभाषित जरूर किया है, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसको आम जन, हर व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है, समझता है और मैनेजमेंट करता है। सभी करते हैं, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, कुछ का मैनेजमेंट पुअर हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट को एक अच्छे तरीके से, यानी कि मॉडर्न वे में जब हम डिफाइन करेंगे, तो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कौन सी इसकी डेफिनेशन को बेटर माना जा सकता है। एक सामान्य परिभाषा मैनेजमेंट की हो सकती है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और कार्यों को किया जाता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। अब इसमें तीन मेजर टर्म यूज हुई। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, और कैसी प्रोसेस है? जिसमें एफिशिएंसी से काम किया जाता है और इफेक्टिवनेस से काम किया जाता है। इन तीनों मैनेजमेंट के डेफिनेशन में जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी समझेंगे। प्रोसेस किसको कहते हैं और मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस का मतलब होता है सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कि जब हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कई छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो उन सभी स्टेप्स को मिलाकर के एक प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। कई क्रियाओं से मिलकर एक प्रक्रिया बनती है, तो मेनी फंक्शंस मेक अप ए सेट ऑफ प्रोसेस। अब मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम कई फंक्शंस को करते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मेजर फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट में किए जाते हैं। अगर हमको मैनेज करना है तो हम प्लान करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। विदाउट प्लानिंग हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग यानी कि जो सोर्स होंगे, जो काम करने वाले होंगे, उनके बारे में सोचते हैं, उनको फिक्स करते हैं। डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देते हैं, और कंट्रोलिंग जब काम हो रहा होता है तो हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए हम जो ध्यान रखते हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं, उसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। यानी कि हमारा जो किया हुआ काम है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करे, यही कंट्रोलिंग है। तो इन सब से मिलकर के बनता है प्रोसेस, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एफिशिएंसी जरूरी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, डूइंग द टास्क राइटली, किसी काम को अच्छे तरीके से करना, ठीक तरीके से करना। और ठीक तरीके से कैसे होगा? जब मिनिमम कॉस्ट होगी, कम से कम कॉस्ट होगी, या मिनिमम या नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं होगी। मिनिमम कॉस्ट रहनी चाहिए, वेस्टेज होनी नहीं चाहिए, कम समय लगना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको कहा जाता है एफिशिएंटली डूइंग द टास्क, तो एफिशिएंसी हो गई। अब मैनेजमेंट में एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट तभी कहा जाएगा जब हम काम को अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस। केवल एफिशिएंसी होने से मैनेजमेंट पूरा नहीं हो जाता है, इफेक्टिवनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स या राइट टास्क, यानी कि ठीक काम को करना, एंड अचीविंग गोल्स विद इन द टाइम लिमिट, और समय पर अपने गोल को अचीव कर लेना। मतलब कंप्लीटिंग द टास्क एंड कंप्लीटिंग द गोल इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता,
कि प्रभावशीलता होनी चाहिए, प्रभावी होना चाहिए हमारा काम, कि हम कंप्लीट कर दें जो भी हमने कमिटमेंट किया उसको हम पूरा करें और समय पर पूरा करें, इसको कहते हैं प्रभावशीलता। अब इन दोनों को और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं कि मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर हमें ऑर्डर मिलता है कि भी विद इन वन मंथ, एक महीने के अंदर हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब जो 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है इनका हमें टाइम मिला है कि विद इन वन मंथ, एक महीने में हो जानी चाहिए, वन मंथ में हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी टारगेट मिला है या जो जनरल ऑब्जर्वेशन है वो ये भी है कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो अराउंड 10 रुपीज रहती है, तो अभी भी हम चाहेंगे कि वो 10 रुपये पर यूनिट के करीब हमारी कॉस्ट रहे। हमने ये काम दो लोगों में बांट दिया, एक ए है एक बी है। ए को हमने 500 यूनिट के बारे में बोला और बी को भी हमने 500 यूनिट, दो वर्कर है हमारे पास, 500 यूनिट हमने कहा ए को बनाना है और 500 यूनिट के लिए हमने कहा बी को बनाना है। ए ने बहुत अच्छे से काम को किया, अच्छे से मतलब इसने कोई वेस्टेज नहीं होने दी, ये बहुत ही कुशलता से काम को करता है, कोई वेस्टेज नहीं होने देता है, इसलिए कॉस्ट कम रखी, हमारे मटेरियल्स कम से कम यूज किए और जो क्वालिटी आई वो भी बहुत फाइन आई, अच्छी आई, कोई उसका शेप साइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूनिट्स में। लेकिन जब एक महीना हुआ हमने देखा कि इन्होंने कुशलता से काम को किया और कुशलता से ज़्यादा कुशलता से करने के इन्होंने फोकस रखा, ज़्यादा कुशलता पर फोकस रखा, इसलिए ये यूनिट्स पूरी एक महीने में बना नहीं पाया। यूनिट्स केवल बना पाया 400 यूनिट इसने बनाई, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो 7 रुपीज रही, मतलब जो 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पड़नी थी वो 7 रुपये ही पड़ी और जो सामान की क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। अब देखें बी ने क्या किया, बी ने भी अपना काम किया, लेकिन बी ने जो काम किया इन्होंने किस तरीके से किया कि इसने सोचा कि एक महीने में हर हाल में मुझे पूरा करना है, इसलिए इसने तेजी से काम करना शुरू किया और जब ज़्यादा तेजी से इसने काम करना शुरू किया तो बीच बीच में कुछ वेस्ट होने लग गया मटेरियल ज़्यादा जल्दी काम को पूरा करने के चक्कर में, तो इसलिए इसने समय पर पूरा कर दिया और एक महीने से पहले ही इसने पूरी 500 यूनिट्स को कंप्लीट किया। लेकिन जब कॉस्ट निकाली गई तो कॉस्ट इसकी आई 12 रुपीज पर यूनिट। अब हम देखेंगे जो ए वर्कर है, इसने एक महीने के अंदर 400 यूनिट्स बनाई, टारगेट था 500 का, लेकिन हमारा टारगेट था कि जो कॉस्ट है वो 10 रहनी चाहिए, इसने टारगेट से नीचे यानी कि 7 रुपये पर यूनिट कॉस्ट में ही काम कर दिया। तो ये जो वर्कर है ये एफिशिएंट है लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट है, कुशल है, अच्छे से काम करता है लेकिन समय पे काम पूरा नहीं कर पाया। बी जो वर्कर है इसने क्या किया, हमारा टारगेट था 500 यूनिट एक महीने में बनाने हैं, इसने एक महीने से पहले ही 500 यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया, ये इफेक्टिव है, प्रभावी है, जो काम मिला वो काम इसने पूरा कर दिया जिस काम के बारे में उसको कहा गया। लेकिन जो हमारी यूनिट की कॉस्ट आनी थी 10 रुपये वो इसने कॉस्ट बढ़ा दी और 12 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारी। तो अब इनमें से कौन सा वर्कर बेटर समझा जाएगा, मैं कहूं इनमें से किसी भी वर्कर को हम अच्छा नहीं समझ सकते क्योंकि ये एफिशिएंट है इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं है। अब एक मैनेजमेंट ऐसा वर्कर चाहेगी, मान लो एक वर्कर सी है, सी वर्कर को काम सौंपा गया और इसने ये काम मतलब इसी काम को मान लो हम इसको सौंपते कुछ यूनिट्स इसको बनाने को देते तो एक महीने में इसने जो यूनिट्स इसको मिली बनाने को वो भी ये पूरी कर देता। मान लो अकेले इसको काम मिला और इसने 1000 यूनिट्स एक महीने में कर दी और जो कॉस्ट थी वो भी 10 रुपये से नीचे रही, तो इसने समय से पहले काम को भी पूरा कर दिया और जो कॉस्ट थी वो भी विद इन लिमिट रही, जो हमने चाहा था उतनी ही कॉस्ट रही, तो ये एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है और मैनेजमेंट में इसी की जरूरत होती है, मतलब मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस, इसको पूरी तरह से हम मैनेजमेंट कह सकते हैं, यही मैनेजमेंट में कोशिश की जाती है। अब देखेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं,
इससे पहले मैं मैनेजमेंट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि कोई आदमी बहुत पढ़ करके ही मैनेजमेंट करेगा। देखने में आएगा कुछ लोग जिनको मैनेजमेंट की जानकारी भी नहीं थी, उन्होंने कोई पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को संभाल रहे होते हैं, बहुत अच्छे से अपनी एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे होते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसका मतलब दे आर बेटर मैनेजर्स, वो अच्छे मैनेजर्स हैं। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज का जो, अब हम सोचेंगे कि भाई तब मैनेजमेंट की पढ़ाई की क्या जरूरत है जब बिना पढ़े लोग भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखो, वो एक चांस है कि कुछ लोग ऐसा संभवतः कर रहे हो, लेकिन ऐसा रियल में, वास्तविकता में ऐसा बहुत मुश्किल ही संभव है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो व्यक्ति कर पाए जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की हो। उसका कारण ये है कि आज का जो एनवायरमेंट है वो पहले से बदल चुका है। डे बाई डे हम देख रहे हैं एनवायरमेंट में चेंजेज आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके से टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, सरकार की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो ऐसे केस में बेटर मैनेजमेंट वो आदमी कर ही नहीं सकता है जिसको इन सभी चीजों की जानकारी नहीं होगी, और इसलिए हमें प्रोफेशनल मैनेजर्स की जरूरत होती है जो हर तरह की परिस्थिति को भांपते हुए सही से काम कर सकें। तो मैनेजमेंट कर तो सभी लोग सकते हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटर मैनेजमेंट के लिए हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत होती है। अब हम समझेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी फीचर्स क्या होती हैं। मैनेजमेंट की फीचर्स में सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो गोल ओरिएंटेड है, मतलब एक एम होना चाहिए मैनेजमेंट के सामने। यानी कि हम अगर किसी को मैनेजर बनाते हैं या मैनेज करने के लिए कहते हैं कि आप इस अफेयर को मैनेज करिए, तो हमें बताना होगा कि उसको मैनेज करना क्या है, उसका एम क्या है, उसको 500 यूनिट बनानी है या उसको 10 आदमियों को सेल करना है या इतने उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या करना है उसको। तो देयर मस्ट बी सम एम। नेक्स्ट है परवेसिव। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है कि वो एवरीवेयर नीडेड है, चाहे अमेरिका है चाहे इंडिया है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। इवन चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, इवन कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है, इवन आपके घर में स्कूल में, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस है, एक्टिविटी है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी, यानी कि मैनेजमेंट का कोई एक डायमेंशन नहीं है कि हमको काम को ही मैनेज करना होता है या प्रोडक्शन को ही मैनेजमेंट करना होता है। नहीं, हमें एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी हमें मैनेज करना होता है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट को हम तीन मेजर क्लासिफिकेशंस में समझ सकते हैं। जैसे हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि हर संस्था किसी न किसी काम को करने के लिए बनाई जाती है। जैसे स्कूल को बनाया जाता है एजुकेशन के लिए, फैक्ट्री बनाई जाती है प्रोडक्शन करने के लिए, कोई बैंक बनाया जाता है बैंकिंग की एक्टिविटीज को करने के लिए, वो वर्क कहलाता है। तो स्कूल का वर्क है एजुकेशन देना, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क की जरूरत होती है। फैक्ट्री का वर्क होता है प्रोडक्शन करना, तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। हम एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मतलब उन सभी लोगों से है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर स्कूल है तो वहाँ पे स्कूल में काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे। फैक्ट्री है तो वहाँ पे मैनेजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। कोई ऑफिस है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करने वाले होंगे। तो उन लोगों को भी मैनेज करने की जरूरत होती है। उन लोगों को मैनेज करना मतलब उनसे अच्छे से काम कराया जाना है, उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की भी जरूरत होती है। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क करेंगे काम अच्छे से होगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेंगे लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, देखो जब कोई संस्था किसी वर्क के लिए स्थापित की जाती है, जैसे स्कूल को बनाया या कॉलेज को बनाया एजुकेशन देने के लिए। अब एजुकेशन देने के लिए स्कूल में हमें बहुत सारी दूसरी फैसिलिटी देनी होंगी, जैसे हमें वहाँ पे क्लास मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा, हमें वहाँ पे बेंच प्रोवाइड करानी होंगी, हमें वहाँ पे साफ सफाई का भी अरेंजमेंट करना होगा, हमें वहाँ पे स्कूल के लिए जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करना पड़ेगा, रूम्स बनाने होंगे। तो ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज हो जाती हैं इनको कहते हैं ऑपरेशंस।
यानी कि एक वर्क को, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती है उनको ऑपरेशंस ऑपरेशंस कहते हैं, और उन ऑपरेशंस को भी मैनेज करने की जरूरत होती है। अगर हम अपने ऑपरेशंस को बेटर तरीके से मैनेज करेंगे तभी हम अपने वर्क को भी मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, विषय है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर की भी जरूरत होती है और वो जिसको मैनेज करेगा उसकी भी जरूरत होती है। तो टीम एफर्ट रिक्वायर्ड होता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे एक कंपनी में अगर बेटर मैनेजमेंट हम करना चाहते हैं तो एक मैनेजर अगर बहुत अच्छा आ जाता है और बाकी जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने पुराने ढरे से काम करते रहते हैं तो मैनेजमेंट नहीं अच्छा नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट वहां पे संस्था का मैनेजमेंट अच्छा तब होगा जब वो मैनेजर आएगा, टीम बिल्ड करेगा, टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने रोल्स को बेटर तरीके से करेंगे पूरा, तो एक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये आइसोलेशन में एकांत में नहीं हो सकता है, ये ग्रुप को साथ लेकर चलने से मैनेजमेंट होता है जिसमें सभी का सहयोग रहता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक बार हमने एक्टिविटीज को मैनेज कर दिया, बढ़िया से सेट कर दिया, बस हो गया मैनेजमेंट, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली हमको मैनेजमेंट में काम करना होता है, जैसे हमें बेटर प्लान करना है, उसके बाद हमें बेटर ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद हमें बेटर स्टाफ करना है, बेटर डायरेक्शंस देने हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, कंट्रोलिंग अच्छा करना रखना है, फिर कोई कमियां आती हैं तो फिर से बेटर प्लान करना है। ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जिसमें मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो राउंडेडली कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सभी मैनेजमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे मैनेजमेंट के फंक्शंस चलते हैं और इसलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऐसा फंक्शन है जिसमें समय के अनुसार चेंज करना होता है, उसमें परिवर्तन करना होता है, परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरमेंट में काम करती है। एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा होती हैं या हमारा एनवायरमेंट कहलाती हैं। जैसे हम ह्यूमन एनवायरमेंट कहते हैं तो ह्यूमन एनवायरमेंट में एक मानव को जो भी चीजें प्रभावित करती हैं, वैसे ही हम बिजनेस एनवायरमेंट जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी चीजें प्रभावित करती हैं वो सब बिजनेस एनवायरमेंट का हिस्सा होती हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कहलाती हैं। तो एक बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो डेली चेंज होता रहता है, सरकारी पॉलिसी चेंज होती रहती है, टेक्निक चेंज होती रहती है, लोगों की सोसाइटी में चेंजेज आते रहते हैं, कल्चरल चेंजेज आते रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के इकोनॉमी में चेंजेज आ रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो चेंजेज होते हैं उनकी वजह से संस्था को अपने आप को चेंज करना होता है, और इसलिए मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना होता है ताकि हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी संस्था को आगे रख सकें। इसी कारण से मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है, मैनेजमेंट एक फोर्स होती है, पहले तो फोर्स पे बात करते हैं, फोर्स क्यों कहा गया है यहाँ पे। देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई यहाँ पे अब ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगी कोई, ये ऐसे ही रखा रहेगा। जब कोई फोर्स लगेगी इस पे, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, जब हवा फोर्स करेगी इसको तो ये एक तरफ झुकेगा, जब कोई पर्सन आकर के इस पे फोर्स लगाएगा तो ये एक तरफ गिर सकता है। मतलब हम इसको स्पीड दे सकते हैं, गति दे सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारी संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज इट इज है, जब तक हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट एक फोर्स होता है, कैसे इस संस्था को रन कराता है मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट एक फोर्स है, इसको पावर देता है, इसको कामयाब बनाता है संस्था को। तो मैनेजमेंट एक फोर्स है, लेकिन कैसी फोर्स है? इंटेंजिबल फोर्स है। हम कभी देख नहीं सकते हैं कि भी मैनेजमेंट इस संस्था को अब क्या कर रहा है, उसको हम कभी भी एक फिजिकल आइटम नहीं है ये, जिसको हम चेक कर पाए कि मैनेजमेंट कैसा है, इसको हम सी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम फील कर सकते हैं, और फील भी कैसे कर सकते हैं, उसके आउटकम्स के साथ, आउटकम्स ऑफ बेटर और पुअर मैनेजमेंट। हाँ, देखने में हम कभी पता नहीं लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट खराब है, कैसे, क्योंकि
हम ये देखकर नहीं बता सकते कि संस्था का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, नहीं, हम बताएंगे कैसे, अगर वो संस्था का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो संस्था बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, वो संस्था बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट अच्छा है। यानी कि ये जो फील हम करेंगे कि इस संस्था में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। अगर संस्था फेलियर की तरफ जा रही है, संस्था को कंटिन्यूअस लॉस हो रहे हैं, संस्था में प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, संस्था लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पा रही है, तो हम इसका मतलब अब हमें पता चल जाएगा कि संस्था का मैनेजमेंट पुअर है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इंटेंजिबल फोर्स। इसको हम उस संस्था की एक्टिविटी और उस संस्था के रिजल्ट्स के हिसाब से जांच सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।